संघ की विचारधारा का प्रसार। जहां भी देखो हिंदुस्तान के सब इंस्टीट्यूशन में, आईआईटी, आईआईएम, शिक्षा के इंस्टीट्यूशन, इलेक्शन कमीशन, सब जगह आरएसएस के लोग एक के बाद एक डाले जा रहे हैं। सरकार में हो रहा भ्रष्टाचार। सेना कहती है हमारे पास पैसा नहीं है और नरेंद्र मोदी अपने उद्योगपति मित्र को पैसा दे रहे हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड जिसने 70 साल हवाई जहाज बनाया है एयरफोर्स के लिए, उसने कॉन्ट्रैक्ट छीनते हैं और अपने उद्योगपति मित्र को देते हैं। वरिष्ठ नेताओं की उपेक्षा। उनकी पार्टी में ना अरुण जेटली का आदर होगा, ना अडवाणी जी का आदर होगा, ना उनके चीफ मिनिस्टर्स का आदर होगा। उनकी पार्टी में सिर्फ एक व्यक्ति का आदर होगा और वो है नरेंद्र मोदी और दूसरा अमित शाह। ये फर्क है हमें और उनमें। चाइना से डरी सरकार। ढोकलाम में चाइना की सेना घुसी हुई है, चाइना हेलीपैड बना रहा है, एयरपोर्ट को एक्सटेंड कर रहा है, अपनी सेना को वहां बैठा रखा है और हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चाइना में बैठा हुआ बिना एजेंडा डिस्कशन कर रहा है। कांग्रेस की जीत का दावा। मैं आपको यहां बता देता हूं, कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी जीतेगी, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी जीतेगी, मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी जीतेगी, राजस्थान में कांग्रेस पार्टी जीतेगी, 2019 में कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतेगी। कभी सहज, सौम्य और हसमुख प्रवृत्ति के माने जाने वाले राहुल गांधी का नया अवतार पूरी तरह से चौंकाने वाला है। विरोधी विचारधारा पर कटाक्ष से सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप तक, सत्तारूढ़ पार्टी की कमियों से अपनी पार्टी की मजबूती तक, कमोवेश हर किसी मोर्चे पर राहुल का वो अंदाज सामने आया जो असल में उनकी पहचान ही नहीं है। राजनीति में प्रयोग कोई नई बात नहीं है और कांग्रेस से जिस स्थिति से गुजर रही है उसके लिए वे प्रयोग काफी जरूरी भी हो जाता है। हालांकि ये बात अलग है कि उसने इस प्रयोग का केंद्र राहुल गांधी को रखा है और हैरत भरी बात तो यह है कि मोदी से टक्कर लेने के लिए राहुल मोदी के रास्ते पर ही चलते दिखाई दे रहे हैं। जन आक्रोश रैली के दौरान भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें सामने आई, जब अपनी आक्रामकता के जरिए उन्होंने जमकर तालियां तो बटोरी ही, साथ ही कांग्रेस की भविष्य की तस्वीर भी पेश कर दी। वैसे यहां राहुल के नए अवतार को हम कैसे भी नजरिए से देखें, लेकिन सत्तारूढ़ और बीजेपी इस मसले को कुछ अलग ही अंदाज में ले रही है। के भाषण को सुनने के बाद ये साफ लगता है ये जनाक्रोश रैली नहीं थी, ये कुर्सी के ख्वाब की रैली थी, ये सत्ता के लालसा की रैली। आज के दौर में जब सियासत को संग्राम की तरह देखा जाने लगा है तो उसके लिए आक्रामकता भी जरूरी है। राहुल गांधी भी मानो इस बात को अच्छी तरह से समझ गए हैं और उन्होंने शुरुआत कर दी है अपने अंदाज को बदलने की। न्यूज वर्ल्ड डेस्क। एंग्री राहुल, नमस्कार। बाद मुद्दे की में आपका स्वागत है, मैं हूं राजेश सक्सेना। कहते हैं दुनिया में अगर कुछ स्थिर है तो वो है बदलाव। फिर हम बात चाहे किसी के बारे में करें, कमोबेश हर कहीं बदलाव किसी न किसी तौर पर अपनी मौजूदगी दर्शाता ही है और ऐसी एक तस्वीर पेश कर रही है हिंदुस्तान की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस, जो इन दिनों बदलाव के मुहाने पर खड़ी दिखाई दे रही है और उस बदलाव का केंद्र है उसके प्रमुख राहुल गांधी। यहां सहज, सरल और सौम्य छवि के राहुल कांग्रेस की जनक्रोश रैली में पूरी तरह आक्रामक तेवरों में नजर आए। लगभग 35 मिनट के भाषण में कहीं भी उनके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं दिखी और मोदी सरकार पर उसी अंदाज में हमला बोला जैसे एक वक्त नरेंद्र मोदी मनमोहन सिंह सरकार पर बोलते थे। आखिर क्या है राहुल के बदले अंदाज की इनसाइड स्टोरी और क्या सत्ता के संग्राम की जरूरत बन गई है आक्रामकता? इन्हीं सवालों के तलाशेंगे हम जवाब। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले उन मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं, तारुफ कराते हैं जो हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ में हैं वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा साहब। रमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ में है सरमन नगेली जी, वरिष्ठ पत्रकार। सरमन जी, आपका बहुत स्वागत। भूपेंद्र गुप्ता साहब हैं, कांग्रेस प्रवक्ता और नेता। भूपेंद्र जी, आपका बहुत स्वागत है।
और कृष्ण गोपाल पाठक जी, बीजेपी नेता। कृष्ण गोपाल जी, आपका बहुत स्वागत। सबसे पहले भूपेंद्र गुप्ता साहब के पास चलेंगे। भूपेंद्र जी, जिस तरह से राहुल गांधी का नया अंदाज, नए तेवर, नई आक्रामकता, जिस तरह से उनकी एक शैली रही है, सौम्य छवि, सरल, और कहीं ना कहीं ये लगातार कहते रहे हैं कि मोदी नफरत फैलाने का काम करते हैं, गुस्सा करते हैं, लेकिन उनका गुस्सा कल जिस तरह से दिखा दिल्ली में, उसके बाद ये भी कहा जाने लगा कि अब राहुल काफी आक्रामक हो गए हैं। क्या कहेंगे इस बदले हुए परिवेश को आप? ट्रांसफॉर्मेशन देश की परिस्थितियों के आधार पर है जी। आज देश में जो परिस्थितियां हैं कि हालात ये हैं कि हम अपनी धरोहरों की रक्षा करने की स्थिति में नहीं है, उनको भी हमें किराए पर चढ़ाना पड़ रहा है, ठेके पर चढ़ाना पड़ रहा है, देश की अर्थव्यवस्था का सत्यानाश हो चुका है। कम से कम इस देश में 5 लाख करोड़ रुपया का एडिशनल फंड पेट्रोल की कीमतों से वसूला गया है, लेकिन वो इस देश की जनता को नहीं दिया गया। महंगाई सर चढ़ी हुई, पेट्रोल खरीद रहे हैं और हम जो है एक उपभोक्ता के रूप में रोज ठगे जा रहे हैं। हमें महंगी बिजली मिल रही है, हमें जो है विकास के नाम पर महंगी रेल मिल रही है, सुविधाएं नहीं मिल रही हैं हमको जो, और उसके बाद क्या हो रहा है, कम से कम 400 स्टेशन बेच दिए गए प्राइवेट हाथों में। आज वहाँ पर जो है गाड़ी खड़ी करने की कीमतें 4 गुनी 10 गुनी बढ़ गई हैं। आज हमें वहाँ पर जो है मिलने वाली सुविधाओं की कीमतें 10 गुनी बढ़ गई हैं। स्टेशनों में कोई फर्क नहीं आया है, लेकिन जो है जनता से वसूले जाने वाली, जनता का पॉकेट काटने की जो नीति चल रही है 10 गुनी बढ़ गई है। ऐसी ऐसी धरोहरों को बेचा जा रहा है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। मध्य प्रदेश में भी तैयारी हो रही कुछ होटलों को बेचने की, और किन किन मंत्रियों के बच्चे उन होटलों को खरीदना चाहते हैं, जल्दी हम लोग इनका खुलासा करेंगे। मध्य प्रदेश में जो है मिंटो हाल जैसी धरोहरें बिक गई हैं, और जो है इसी तरह की सारी चीज़ें हो रही हैं। देश को जो जिन्होंने कस्में खाई थी कि हम देश नहीं बिकने देंगे, उन्होंने देश को किराए पर चढ़ा दिया है। ये परिस्थिति देश में है। आज दलित के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, भौतिक अत्याचार हो रहे हैं, उनको पीटा जा रहा है, उनको कुचला जा रहा है, उनके ऊपर गोलियां चलाई जा रही हैं। आज मजदूरों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, जो लेबर लॉज हैं उनको इस तरीके से बदल दिया गया है कि कोई भी पूंजीपति उनको 1 मिनट में बाहर कर सकता है नौकरी से, उसको पूरी तरह से जो है रोनने का काम हो रहा है। आज देश के अंदर जो है किसानों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, किसानों की जमीनों को हड़पने के लिए जिस तरह की नीतियों को डाइल्यूट किया जा रहा है, जिस तरह से उनके अधिकारों को, भूमि अधिग्रहण के अधिकारों को रोका जा रहा है, वो सारी परिस्थिति। लेकिन भूपेंद्र जी, जिस तरह से अब बीजेपी कह रही कि कहीं ना कहीं लगातार हार से कुंठा है, जिससे जो स्थिति पूरे देश में कांग्रेस की है, तो ये जन आक्रोश रैली नहीं, परिवार का आक्रोश है जो दिख रहा है राहुल गांधी के बदलते परिवेश में। देखिए, इस तरह की बातें वो लोग कर सकते हैं जो 60 साल तक लगातार हारते रहे, उनमें कुंठा है। हम तो पहली बार हारे हैं, हमें काहे की कुंठा है। ये लोकतंत्र का हिस्सा है, जिन्होंने 60 साल केवल हार चखी है, जो हमारे आशीर्वाद से जिनके जो है नेताओं को हमने सर्वाइव कराया, अपनी सीटें खाली करा के जिता कर, वो हमसे ये कुंठा की बात करते हैं, तो ये धोखा है, ये झूठ है। वो अपने अंदर झांकने की कमी उनके अंदर कमी है। कृष्ण गोपाल जी, क्या कहेंगे जिस तरह से वही अंदाज जो पीएम मोदी का रहा करता था और मनमोहन सिंह को पानी पी कर कोसते थे, अब वही अंदाज में राहुल गांधी? देखिए, यहाँ पर मैं यही कहना चाहूँगा कि असल असल होता है, नकल नकल होता है। आप देखिए राहुल गांधी जी का व्यवहार, जब से वो राजनीति में आए हैं, उनको एक आर्टिफिशियल तरीके से प्रस्तुत करने का बने ही नहीं है। ठीक उसी प्रकार से जैसे क्रिकेट के प्लेयर को हम बोलने की जाओ मैदान में जाकर हॉकी का मैच खेलो और जीत कर बताओ, राहुल गांधी जी की यही एक विडंबना है कि राहुल गांधी का दिमाग खुद के द्वारा चलाए जाने वाला दिमाग नहीं है। दिमाग खुद कब चलता? जब वो भारत को देखते। दिमाग खुद कब चलता? जब वो गरीब को देखते, जब वो खेत को देखते, खलिहान को देखते, किसान को देखते, देश की जर्जर सड़कों को देखते जो 2014 के पहले हुआ करती थी, देश में अंधेरे में जो लोग जी रहे हैं उनके जीवन को देखते, देश में भुखमरी को देखते जो उन्होंने 60 साल के शासनकाल में दी है। राहुल गांधी जी के साथ यही एक समस्या है। राहुल गांधी जी को एक तो एक स्क्रिप्ट लिखकर दे दी जाती है कि आपको यह पढ़ना है उनको। अच्छा, हैरत की बात यह है कि उनकी स्क्रिप्ट लिखने वाले लोग राहुल गांधी के साथ बार बार प्रयोग कर रहे हैं। आपको ध्यान होगा, राहुल गांधी जी के साथ एक प्रयोग तब भी हुआ था, तब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उस समय भी बड़े एंग्री मैन की तरह कैमरे के सामने आकर खड़े हुए थे। पता नहीं कौन से देश विदेश से आके भारत में आए, मनमोहन सरकार का कोई अध्यादेश था, ये फाड़ता हूँ मैं अध्यादेश, ये जनता के किसी काम का नहीं है। अपने ही प्रधानमंत्री को उन्होंने अपमानित करने का काम किया था। यह गलती
उस पूरी व्यवस्था की है जो देश की सरहद पर भी एक व्यक्ति को सिर्फ सत्ता सौंपने की तैयारी कर रहे हैं। मैं मेरे मित्र भूपेश जी से भी कहना चाहता हूं, मेरे दो पत्रकार मित्र भी बैठे हैं कि भैया राहुल गांधी जी तो भागकर इटली चले जाएंगे। जी 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 लेकिन 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 कृष्ण गोपाल जी भाई, जब ऐसा पीएम मोदी करते रहे हैं, अब अगर ऐसा राहुल गांधी कर रहे हैं, आक्रामकता दिखा रहे हैं, तो इसमें बीजेपी को तकलीफ क्या है? बीजेपी को कहीं कोई तकलीफ नहीं है। ये राजनीति कांग्रेस का एक हिस्सा है। हाँ। वो किस तरीके से राहुल गांधी जी को बार बार सिखाकर भेजते हैं। हाँ। अभी मैं ताल कटोरा स्टेडियम का उनका भाषण मैंने थोड़े दिन पहले सुना है, आपने भी सुना होगा। ठीक है। तो पता नहीं कौन सा उदाहरण देना चाह रहे थे मंदिर का। मैंने एक मंदिर के पुजारी के पास गया, उन्होंने कहा घंटी बदल दो। मैं चैलेंज करता हूँ भारत की 125 करोड़ जनता को, वो राहुल गांधी जी के उस भाषण का मतलब बता दे। मैं चैलेंज करता हूँ कांग्रेस पार्टी के किसी भी नेता को, वो राहुल गांधी के उस भाषण का मतलब बता दे। हम जो मांगेंगे वो उनको दे देंगे, बस वो उसका अर्थ समझा दे। मैं यहाँ पर यही बोलना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी की जो भाषण है, दरअसल वो एक समझदार व्यक्ति के भाषण नहीं है, क्योंकि उनमें वो समझ भारत की समझ यही नहीं है। वो तो इटली की समझ और विदेशों की समझ से वास्ता रखने वाले लोग हैं। उनको भारत से संस्कृति से कोई उनको मतलब नहीं है, कोई वास्ता नहीं है। जब चुनाव आते हैं चुनाव नहीं नहीं, लेकिन लेकिन कृष्ण गोपाल जी, ऐसे आप कैसे कह सकते हैं? वो भी एक देश की बड़ी पार्टी कांग्रेस, और जिस तरह से आप वैसा करते रहे तो कुछ नहीं, अब राहुल गांधी ऐसे कर रहे हैं तो तमाम तरह के आपके सवाल आपके खड़े हो रहे हैं कि जन आक्रोश रैली नहीं है, परिवार आक्रोश है। ठीक है, जो तमाम मुद्दे हैं उनको लेकर जो उनका आक्रोश था, उन्होंने वो आक्रामकता दिखाई। मैं वही आपको बताना चाह रहा हूँ, राहुल गांधी जी का जो भी स्क्रिप्ट उनको लिखकर देता है, उनको एक आर्टिफिशियल तरीके से खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है। चलिए, दरअसल वो राजनीति के लिए बने ही नहीं है। चलिए, एक जबरन किसी को मार पीट करके भैया। चलिए, रमेश शर्मा साहब हमारे साथ में है, खेलने का काम किया जा रहा है। रमेश शर्मा साहब हमारे साथ में है, वरिष्ठ पत्रकार। रमेश जी, जिस तरह से बात राहुल गांधी के बदले हुए तेवर की बात हो रही है, जिस अंदाज में उन्होंने कल अपना भाषण दिया, और कहीं ना कहीं ये भी लंबे समय से बात होती रही है कि बड़े सरल सौम्य सहज दिखते हैं राहुल गांधी, एक उनमें आक्रामकता नहीं है। अब जब उन्होंने आक्रामकता दिखाई, तो फिर बीजेपी को जिस तरह से बात बीजेपी कर रही है, आप क्या कहेंगे इस पूरे बदले हुए जो राहुल गांधी कल दिखे? देखिए, ये बात तो आप ठीक कर रहे हैं। एक काफी लंबे समय से ये अपेक्षा राजनीतिक विश्लेषक कर रहे थे कि राहुल गांधी जी का जो एटीट्यूड है, जो उनका बॉडी लैंग्वेज है, जो वे ऑफ प्रेजेंटेशन है, वो राजनीति के बहुत अनुकूल नहीं है, ऐसा राजनीतिक समीक्षक करते थे, और उसमें थोड़ी आक्रामकता, थोड़ी तीखापन आना चाहिए। ये कहीं ना कहीं राहुल जी में ये परिवर्तन आया है, और वो तीखापन लेकर के आए हैं। आज जो उनका पूरा भाषण सुना, दिन में भी देखा आपने और सुनाया, इसमें आक्रामकता दिख रही है, ये आज के समय की जरूरत है। लेकिन ये कहीं ना कहीं राजनीति की आधी जरूरत को ही पूरा करते हैं। राजनीति में जब भी कभी भी कोई बड़ा नेता, राहुल गांधी जी को कुछ लोग उम्र की दृष्टि से या उनके अंदाजे बयां की दृष्टि से कुछ भी उनको संबोधन दे सकते हैं, लेकिन कुछ भी हो, एक बड़ी पार्टी के अध्यक्ष हैं, एक ऐसी पार्टी के अध्यक्ष हैं जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है, तो उनकी गिनती बड़े नेताओं में ही हुई। तो इस तरह के नेता को अपने भाषण में दो तरह की बात लाना चाहिए, एक तो आक्रामकता, दूसरे पर हमला, जो उन्होंने आज किया है। लेकिन इसके साथ दूसरी बात भी आना चाहिए, आप अपनी बात क्या कहेंगे। मोटे तौर पर दो चीज होती है, परिवर्तन पत्तों का परिवर्तन होता है, जड़ों का परिवर्तन कभी नहीं होता। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की जड़ क्या है, और कांग्रेस की जड़ के कारण आप किस तरह का शासन देना चाहते हैं। मैं उदाहरण नरेंद्र मोदी का देना चाहता हूँ। मोदी जी जिन दिनों मनमोहन सिंह पर खूब हमला करते थे, बहुत जबरदस्त, तो उन दिनों हमला करने के साथ साथ उन्होंने दो तीन बात अपनी कही थी कि हम अच्छे दिन लाएंगे, हम काला धन खत्म करेंगे। कहीं ना कहीं वो कितना अच्छे दिन लेकर के आ पाए, कितना काला धन खत्म कर पाए, ये जवाब तो भाजपा वाले देंगे और कांग्रेस वाले इसको पूछेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं सत्ता के परिवर्तन के लिए वो दो बात एक साथ करते थे, एक हमला करते थे, हमला करने के साथ साथ अपनी बात भी कहते थे कि हम इस तरह का प्रेजेंटेशन देंगे। जब भी कभी सत्ताओं का परिवर्तन हुआ है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हुआ है। राहुल गांधी जी का आज का भाषण, आलोचना उन्होंने जम करके किया,
पार कांग्रेस जीतेगी ये उन्होंने बहुत तीखे और तेज अंदाज में प्रस्तुत किया, लेकिन इसके साथ उन्होंने आज ये नहीं बताया कि यदि सत्ता का परिवर्तन होगा राज्य में होगा और सत्ता का परिवर्तन केंद्र में होगा तो कांग्रेस क्या पॉजिटिव देगी। ये पॉजिटिवनेस की, ये प्रेजेंटेशन की कांग्रेस के भाषण में लगातार हमको उसका अभाव दिख रहा है। जब तक ये अभाव पूरा नहीं होगा मैं नहीं समझता कि भारत की मानसिकता के अनुरूप वो अपना विश्वास दे पाएंगे। चलिए, इस बीच में न्यूज वर्ल्ड के चीफ रिजवान अहमद सिद्दीकी साहब हमसे जुड़ चुके हैं। रिजवान जी बहुत स्वागत है आपका। इससे पहले सलमान नंगेले साहब के पास आए। भूपेन जी, जिस तरह से कृष्ण गोपाल पाठक जी कह रहे थे खुद की स्क्रिप्ट नहीं होती, और जो कुछ सवाल रमेश जी ने उठाए उसका जवाब आपसे पहले लिए लेते हैं। बहुत ही हास्यास्पद बात है, भारतीय जनता पार्टी में जो है ऊपर की मंजिल में जो बैंकरप्सी है ये उसका एक नमूना है। मैं आपसे कहूँ कि जो है इतने विद्वान हमारे आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जिनके भाषणों से जो है 125 करोड़ लोग सम्मोहित हो जाते हैं, उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि उनकी पार्टी का जो है पहला अध्यक्ष कब जिया और कब मरा। उन्होंने उसकी तो अस्थियां ले आए वो 1947 में जाकर लंदन से, जबकि बेचारे वो 1953 में मरे थे। ऐसे महाविद्वानों की जो पार्टी है जिनको ये नहीं पता कि नारियल और अनानास में क्या अंतर है, जिनको ये नहीं पता कि उनके देश में क्या चीजें हो रही हैं क्या चीजें नहीं हो रही हैं, जिन्हें अपने खुद के कार्यक्रम नहीं पता है, ऐसे महान लोगों के बारे में मैं कोई गलत टिप्पणी करके यहाँ पर छोटा होना नहीं चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी में 5 साल का बच्चा भी दूसरे को गाली दे के अपने आप को महान और गौरवान्वित महसूस करता है, ये वहाँ की परंपरा है, इस परंपरा में मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी का जो भाषण है उसमें जो है अगर उसको पूरा किसी ने 5 मिनट सुना, किसी ने 10 मिनट सुना, किसी ने 15 मिनट सुना, अपने हिसाब से और जैसी ओपिनियन उन्हें बनानी उन्होंने बना ली। राहुल गांधी के भाषण में सारी चीजें थी, सारा मिक्स था। नहीं, लेकिन भूपेन जी, यहाँ पर सवाल जो खड़ा हो रहा है, पूरी बात करें जी, हाँ चलिए बताइए, 70 साल में हमारी पार्टी ने क्या किया हमने ये भी बताया, आगे हम क्या करना चाहते हैं हम ये भी बता रहे हैं। हम ही देश की पहली पार्टी हैं जिन्होंने घोषणा पत्र की शुरुआत की है, और हम लगातार हर चुनाव में अपने घोषणा पत्र में अपना मिशन और अपने प्रोग्राम जारी करते हैं। घोषणा पत्र को जारी करने की हिम्मत तो भारतीय जनता पार्टी आज तक नहीं उठा पाई, वो उसको संकल्प पत्र कह के उसमें से बचना चाहते हैं क्योंकि कमिटमेंट नहीं करना चाहते, जनता के साथ झांसागिरी की बात करना चाहते हैं, बड़े बड़े ख्वाब दिखाना चाहते हैं, झूठ बोलना चाहते हैं, इसलिए वो उसको संकल्प पत्र कहते हैं। राहुल गांधी के जो बदले अंदाज है इसके पीछे की क्या इनसाइड स्टोरी हो सकती है? देखिए मैं इसमें ये चीज देख रहा हूँ, उनके कल के भाषण में जो लगभग आधे घंटे का उनका भाषण था वो, और आज क्या है कि इससे पहले राहुल गांधी पार्टी के उपाध्यक्ष थे, अब वो पार्टी के अध्यक्ष बन गए, तो जो उनमें कॉन्फिडेंस आना चाहिए, जो पार्टी में उनको कमांड अपनी रखना चाहिए वो रखने के लिए उन्होंने ये अपना भाषण दिया है। और दूसरा इसमें एक चीज और है कि एक विद्यार्थी जो है ना जब अपनी पढ़ाई करता है और जब एग्जाम आता है तो एग्जाम में वो कोशिश करता है कि मैं सारे के सारे सवालों का उत्तर दे दूं, जब उसका बाय बाय होता है तो वो एक ही सांस में सारी चीजें बोलना चाहता है। राहुल गांधी लगभग या कमोबेश उसी तरह की चीजों पर वो काम कर रहे हैं, ये उनकी अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा उनमें अभी भी चीजें जो कम देखी जा रही है कि एकदम इतना तेज में आके बोलना, वैसे उन्होंने गंभीरता करके डेप्थ की बात कर रहे हैं, गहराई की बात कर रहे हैं कि जो जिस लेवल पर पहुंचे हैं वो नहीं दिखी, ये आपका कहना है? नहीं, वो गंभीरता तो है उनके भाषण में, लेकिन कहीं कहीं वो उनका जो तेज है जो तेज है वो थोड़ा सा कि एक ही बार में सारी चीजें बोल देना वो इस बात को दर्शाता है कि कहीं ना कहीं वो जल्दबाजी में है। सर समझ कहीं नहीं, आपको नहीं लगता कि जिस तरह की एक राजनीति, जिस तरह की सियासत पूरे देश में चल रही है, एक आक्रामक मूड में सारा कुछ है, चाहे हम बीजेपी की बात करें, चाहे कांग्रेस की बात करें या अन्य दलों की बात करें, तो शायद उसी को पकड़ा है समय की, वक्त की नजाकत को? देखिए ये तो ये ठीक है आप कह रहे हैं, लेकिन मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में ऐसी बात नहीं कहूंगा, उनके भाषण आज भी आप सुन लीजिए, आप पुराने भाषण भी सुन लीजिए, आप वो बात रखते थे लेकिन वो जिस तरीके से एक ही सांस में सारी बातें रखने की कोशिश जो राहुल गांधी ने की है वो वैसी उन्होंने मैंने तो नहीं देखा, हाँ हो दूसरे लोगों ने देखा हो, लेकिन हाँ ये बात सही है कि राहुल गांधी बहुत परिपक्व हो गए हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं, बहुत अच्छा भाषण दिया उन्होंने, सारे विषयों को उन्होंने छुआ है, और जिस तरीके से उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत की और जो समापन किया है वो काबिले गौर है। चलिए
इसके क्या आगे इम्पैक्ट पड़ते हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। न्यूज वर्ल्ड के एडिटर रिजवान अहमद सिद्दीकी साहब हमारे साथ में, उन्हीं से जानते हैं। रिजवान जी, क्या कहेंगे? आपने कल भी देखा, आज भी देखा, जिस तरह से बदले बदले राहुल गांधी, आप किस रूप में इसको देखते हैं? आप अगर हम जनाक्रोश रैली की बात करें तो राजेश बेहद आक्रामक थे राहुल गांधी। राहुल गांधी इस अंदाज में नहीं बोलते हैं। एक बार ही उन्होंने ये आक्रामकता दिखाई थी और बहुत हद तक कांग्रेस को बैकफुट में जाना पड़ा था। उन्होंने वो ऑर्डिनेंस फाड़ दिया था जिसके कारण फिर लालू प्रसाद यादव राजनीति में नहीं आ पाए, उस तरह की सक्रिय राजनीति में नहीं आ पाए। नहीं तो अगर वो ऑर्डिनेंस पास हो जाता, लेकिन कांग्रेस इससे भी नहीं भुना पाई थी। भूपेन गुप्ता मेरे बगल में बैठे हैं, कांग्रेस इसे भुना नहीं पाई थी। और राहुल गांधी के खिलाफ ये इल्जाम भी लगता रहा कि उन्होंने ऐसी आक्रामकता दिखाई, सरकार का ऑर्डिनेंस फाड़ दिया। कल भी बहुत आक्रामक थे राहुल गांधी, लेकिन इस आक्रामकता का विरोधियों पर क्या असर पड़ा, वो बहुत ढेर सारे जवाब आए। अभिकेश गोपाल भी बोल रहे थे, जवाब बहुत से आए। क्या असर पड़ता है, कैसे असर पड़ता है, ये तो अनुमान लगाए जा सकते हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं पर बहुत अच्छा असर पड़ा। इसलिए कि इतनी भरी गर्मी में, भरी दोपहर में, उतने ही आक्रामक अंदाज में कार्यकर्ताओं को शेर कहना कि कांग्रेस का हर कार्यकर्ता शेर है, इस तरह की जो बातें थी उससे कांग्रेस का कार्यकर्ता उत्साहित तो है। अब राहुल गांधी ने यह भी दावा कर दिया कि वो तीन स्टेट, कर्नाटक सहित चार स्टेट जीतने वाले हैं। दावे राजनीति में बहुत से होते हैं, इसलिए राजनीतिक में उससे बड़ा भविष्यवक्ता कोई है नहीं। सच हो झूठ हो, लेकिन भविष्यवाणियां करना तो उनको कोई पा नहीं सकता। तो अब राहुल गांधी ने यह भी किया। इन सब चीजों के बीच इतना तो तय है कि कल जो उन्होंने हमले किए उससे कांग्रेस का कार्यकर्ता उत्साहित, लेकिन कल वो राहुल गांधी थोड़ा सा जो गुजरात में कह रहे थे कि प्रधानमंत्री के बारे में कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन कल राहुल गांधी थोड़ा सा, लेकिन प्रधानमंत्री पर जब हमला हुए जी, तो कुछ बार मोदी जी कहा और कुछ बार सीधे, तो ये चीफ को लेकर भी बहुत ढेर सारे सवाल उन्होंने किए। तो इन सब चीजों से अब ये तो देखने मिलेगा, इसलिए कि जो वर्तमान में देश की सियासत है, जैसा रमेश शर्मा जी भी कह रहे थे, कमर के नीचे हमला करने की सियासत शुरू हो चुकी है, और जो भी इसको जिस स्तर तक ले जाना चाहता है उससे लगता है कि इस तरह के हमले तो अब तेज होंगे दोनों साइड से। चलिए रमेश शर्मा साहब के पास आएंगे। रमेश जी, क्या कहेंगे? रिजवान साहब जो बात कह रहे थे कि एक बदला अंदाज आक्रामक दिखे, और कहीं ना कहीं विरोधी पर उन्होंने जमकर हमला किया, जनता पर इसका कितना इम्पैक्ट हुआ होगा? क्योंकि जब 2014 की हम बात करें, उस समय ये कहा जाता था कांग्रेस को लेकर, मनमोहन सिंह को लेकर, कि किसी भी तरह की कोई गतिविधि समझ में ऐसी नहीं आती है, और एक एग्रेसिव मूड में जनता भी थी कि कोई ऐसा एक नेतृत्व आए। तो अब जिस अंदाज में राहुल गांधी आए हैं, तो क्या जनता पर भी इसका भी असर हुआ होगा इस पूरे? देखिए, अभी जनता पर कितना असर है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, और ये इस बात पर निर्भर करेगा कि राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से कमियां गिनाई हैं और आलोचनाएं की हैं, भविष्य में जो सरकारें हैं भाजपा की, केंद्र की भी और प्रांतों की भी, जहां जहां चुनाव होने वाले हैं, वो ऐसा कैसा स्टेप उठाते हैं कि राहुल गांधी जी का आज का भाषण उसमें सार्थक हो, उस आधार पर जनता का असर होगा। लेकिन मैं रिजवान जी के इस बात से सहमत हूँ कि उनके आज के भाषण से और आज मध्य प्रदेश कांग्रेस ने जो कुछ डिसीजन लिए हैं उससे कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में उत्साह आएगा, और वो जो उनमें ठंडकपन सा और एक उदासी थी वो कहीं ना कहीं दूर होगी, और वो एकजुटता के साथ काम करेगा। और जिस तरीके से आज मध्य प्रदेश में भी जो निर्णय उन्होंने किए हैं, क्षेत्र बांट करके अलग अलग, यानी दिग्विजय सिंह जी से लेकर के और दूसरे नेताओं तक उन्होंने जो क्षेत्र के प्रभार सौंपे हैं, मैं समझता हूँ इससे कार्यकर्ताओं में तो जान आएगी। अब ये कार्यकर्ताओं में जो जान आती है वो जनता पर कितना असर करती है? कई वक्त कार्यकर्ता बहुत जान से काम करता है लेकिन जनता पर उसका असर नहीं होता। कई वक्त कार्यकर्ता ठंडा काम करता है लेकिन फिर भी जनता में अगर उबाल आ गया तो वो फिर परिवर्तन होता है। ऐसा परिवर्तन हमने 1977 में देखा था। तो कहने का अर्थ है जनता पर फर्क कितना पड़ेगा ये हमको आने वाले एक दो महीनों में पड़ेगा, क्योंकि जनता के अंदर जो गॉसिप्स होती हैं, खासतौर से ट्रेन में चलते हुए, पानी की दुकान पर, होटल पर बैठे हुए, बाजार में, घर में कोई मेहमान भी आ रहा है, तो ये जो गॉसिप्स होती हैं उन गॉसिप्स पे जनता का मूड पता चलेगा। इस भाषण का असर तत्काल जनता पर कुछ पड़ा होगा ये अभी मैं नहीं कह सकता इस पर कुछ। लेकिन रमेश जी, लंबे समय से ये कहा जाता रहा है कि कांग्रेस में उत्साह नहीं है, लगातार हार के बाद जमीन खिसक गई है, कार्यकर्ता निराश हैं, लेकिन जब इस तरह का पार्टी अध्यक्ष
सामने आता है और इस तरह से बुलंद आवाज में इस तरह से बातें करता है तो कहीं ना कहीं चाहे वो लंबे समय से हाशिए पर नेता रहे हों या जो कार्यकर्ता हैं वो रहे हों उनका मनोबल बढ़ाने का जरूर काम करेगा। देखिए मोटे तौर पे ये बात सही है कि मनोबल बढ़ाने का काम करेगा, लेकिन कार्यकर्ताओं में जो उत्साह है और एकजुटता है वो नेताओं के भाषण से उतनी नहीं आती जितनी राजनीतिक दल में एक्टिविटीज से आती है। एक्टिविटीज होना चाहिए, कांग्रेस में एक लंबे समय तक एक्टिविटीज नहीं रही और फिर अब ये जो एक्टिविटीज शुरू हुई है वो चाहे जन आक्रोश रैली की बात हो, कहीं धरने प्रदर्शन की बात हो, या जैसे भोपाल में कमलनाथ अगर आए तो वो जो जुलूस का सारा प्रबंधन की बात हो, तो इस तरह की ये जो एक्टिविटीज है या क्षेत्र के बांटने की बात हो, इस एक्टिविटीज का कार्यकर्ता पर असर पड़ता है। कार्यकर्ता इन चीजों से जागता है, वो किसी भी राजनीतिक दल का हो, प्रश्न कांग्रेस का नहीं है, किसी भी राजनीतिक दल का कार्यकर्ता हम अपने घरों में ही देखें, हमने घरों में अगर कोई एक्टिविटीज होगी तो सारे घर के लोग लगेंगे, कोई शादी आ जाए, कोई जन्मदिन का काम आ जाए, कोई पुताई का काम आ जाए, तो व्यक्ति में जो सक्रियता आती है वो एक्टिविटी से आती है। कांग्रेस पिछले एक वर्ष से थोड़ा सा उन्होंने अपनी एक्टिविटीज बढ़ाई है, इससे कार्यकर्ता सक्रिय होगा। चलिए कृष्ण गोपाल जी क्या कहेंगे? देखिए मैं राहुल गांधी जी के भाषण को बड़े ध्यान से सुन रहा था, उन्होंने चार स्टेटों का बोला। मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, आपसे भी पूछना चाहता हूँ। एक छोटा सा कमेंट हम उपेंद्र गुप्ता साहब से लेना चाहेंगे क्योंकि उनको जाना है अन्य जगह। कृष्ण गोपाल जो कह रहे हैं पूरा कर लेंगे। चलिए ठीक है, चलिए कृष्ण गोपाल। एक बात यहाँ पर बोलना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी ने चार स्टेट जीतने की बात करी जी। आप जितने भी चुनाव हो रहे हैं 2014 और 14 के बाद के, हर बार वह एक स्टेट जीतने की बात करते हैं। 29 गोल्ड मेडल जीत चुके हैं अभी तक हार के, लेकिन उनसे कोई प्रश्न पूछने का साहस नहीं करता। उनकी हालत उस बच्चे की तरह हो गई है या उस नासमझ व्यक्ति की तरह हो गई है, कोई बोलता है कि फिर से मारना, अरे हार गए चुनाव, उन्होंने कहा अच्छा फिर से मारना, फिर एक बार चुनाव हार गए। आज उनसे कोई ये पूछने की स्थिति में क्यों नहीं है कि आप ये कब तक भाषण देंगे कि हम चार स्टेट जीतेंगे, पहले भी आप 22 राज्यों में हार चुके हैं, 22 राज्यों में आज भारतीय जनता पार्टी। लेकिन 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 कृष्ण गोपाल जी आपकी स्थिति भी, आपकी स्थिति अब वो नहीं है जो 2014 में थी। ये तो चुनाव बता रहे हैं देश के जी, नहीं हुआ यूपी में भी दो चुनाव हुए हैं लोकसभा के। देखिए मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ जो राज्यों के चुनाव के नतीजे आ रहे हैं। अभी अभी आप देखिए त्रिपुरा में हुआ, नागालैंड में हुआ, मेघालय में हुआ, जो लेटेस्ट चुनाव है, अंतिम चुनाव है देश के, ये वो नतीजे बताते हैं कि देश किस तरफ जा रहा है। दूसरी ओर मैं आपको एक बात और बताना चाह रहा हूँ, राहुल गांधी जी के गुस्से की बात की जा रही है तो भैया गुस्सा आप बता रहे हैं भाषणों के माध्यम से, और हम आज जो क्षेत्र जनता के बीच में काम कर रहे हैं, अगर हम देश को बदलना चाहते हैं तो हमने मुख्यमंत्री कन्यादान और लाडली लक्ष्मी जैसी योजना मध्य प्रदेश में लागू की, और आप भाषणों से देश को बदलना चाहते हैं। हमने प्रधानमंत्री आवास माध्यम से गरीबों का घर उपलब्ध कराकर देश बदलने का काम किया है, आप सिर्फ टीवी पर अपना एग्रेसिव रवैया बताकर देश बदलना चाहते हैं। चलिए देश हमेशा ये भूपेन जी, चलिए भूपेन जी सुन रहा है आपके भाषणों को, चलिए चलिए इस तरह से लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। आगे गोपाल जी आपके पास आएंगे, मैं फिर से बोलना चाहूंगा कि भैया देश के साथ प्रयोग ना करे कांग्रेस। अगर उसको किसी को प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करना है तो जिसने जिसने इस देश को देखा है, इस देश की गरीबी को देखा है, जिया है और इस देश चले भूपेन जी क्या कहेंगे प्रयोगात्मक राजनीति जो कर रहे हैं, जो बात एक बात मेरी अंतिम बात है जी, मैं फिर से बोलना चाहूंगा कि रिजवान भाई है, भूपेश भाई है, नागले जी है, रमेश भाई है और मैं हूँ जी, हमारे पास हिंदुस्तान छोड़कर जाने के लिए जाने कोई दूसरा देश नहीं है, वो तो भागकर अपनी नानी के पास इटली चले जाएंगे, देश को गर्त में गड्ढे में डालकर हम कहाँ जाएंगे, मेरा ये प्रश्न है आप सभी से। चलिए भूपेन जी जवाब देंगे, इनको थोड़ा सा जवाब दे दूं। इनका ये कहना है कि प्रयोग ना करें जी, माननीय श्री एल के आडवाणी जी और संघ के बड़े से बड़े कार्यकर्ता और संघ प्रमुख ये कहते हैं कि मध्य प्रदेश राजनीतिक प्रयोगशाला है, आप कैसी बात कर रहे हैं, आप पहले बयानों को पढ़ लो, मध्य प्रदेश को राजनीतिक प्रयोगशाला कहते हैं आप नागले जी, देश में प्रयोग करना, देश में अपना विकास के लिए प्रयोग, आप विषय को समझिए। चलिए हम आएंगे कृष्ण गोपाल जी आपके पास में आएंगे, भूपेन गुप्ता साहब, भूपेन गुप्ता साहब से जवाब दिए लेते हैं ना समझ को जी करके। चलिए भूपेन चलिए कृष्ण गोपाल जी भूपेन साहब, भूपेन गुप्ता साहब से जवाब ले लेते हैं। भूपेन जो कुछ कहा कृष्ण गोपाल जी ने, देखिए लोग बात जब बातें करते हैं तो उनकी कितनी समझ है उसका प्रदर्शन बातचीत में ही हो जाता है जी। जिस देश प्रदेश देश में प्रयोग प्रयोग धर्म अगर ये देश नहीं होता तो क्या जो है भारत के प्रधानमंत्री ये प्रयोग करते कि पाकिस्तान की ISI एजेंसी से अपने एयरबेस की जांच करवा लेते। अगर ये देश प्रयोग धर्म नहीं होता
तो क्या इस देश का प्रधानमंत्री इतना बेगैरत हो जाता कि बिना बुलाए किसी के घर में जो है दूसरे दुश्मन राष्ट्र के घर में जो है बिरयानी खाने चले जाता? क्या अगर ये देश में जो है प्रयोग नहीं हो रहे होते तो क्या अपनी पार्टी के विदेश विभाग के एक स्थायी समिति के सदस्य को पत्रकार बनाकर जो है पाकिस्तान भेजते और जो है वहाँ के सबसे बड़े आतंकवादी के घर में चाय पिलवा देते? क्या ये देश अगर प्रयोग धर्मी नहीं होता तो क्या जो है अभी पाकिस्तान के साथ ज्वाइंट सैनिक अभ्यास का समझौता हो जाता चाइना में जाके? ये दुनिया को किसको बता रहे हो तुम साहब? ये जो है ये देश की आंखें हैं, अंधे नहीं है लोग, उन्हें सब दिखाई पड़ रहा है कि तुम कौन से प्रयोग कर रहे हो और ये प्रयोग देश के लिए कितने खतरनाक हैं। और ये जो लाडली लक्ष्मी टाइप की योजनाएं हैं, इनसे देश का क्या हित हुआ है इसकी जरा चर्चा गांव तो चल के करिए। जिन बच्चियों को आपने जो है एनएससी के सर्टिफिकेट दिए थे 10 साल बाद पहले, वो आज 10 साल बाद आपने वो सर्टिफिकेट छीन लिए उनसे। आज जो है उनके पास जो है केवल एक कागज का टुकड़ा है, एनएससी के पैसे जमा करने की हैसियत नहीं है सरकार की, इसलिए वो एनएससी के सर्टिफिकेट वापस छीन लिए उनसे। ये इनसे ये तो पूछिए कि आपने एक नीति बनाई थी और उस नीति को पढ़ लें ये भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र जो है, कि इनकी लाडली लक्ष्मी की नीति में क्या लिखा हुआ है। 90% बच्चियों को वो पैसा कभी मिलेगा ही नहीं, उसमें 20 नई शर्तें जुड़ी हुई हैं और वो 20 नई शर्तें ऐसी हैं कि जो उसको सरकारी स्कूल से ही जो है परीक्षा पास करनी है, उसको जो है 18 साल की उम्र में से पहले उसको शादी नहीं करनी है, उसमें 50 शर्तें जिसमें उसको कभी वो पैसे नहीं मिलेंगे। ये जो धोखा है, झांसा देने की जो चेष्टाएं हैं, आप देते ना एनएससी जो दिए थे वापस क्यों ले रहे हो लोगों से? वो एनएससी वो अपने कैश कर लेती है 21 साल बाद। ये जो ये सरकारी योजनाएं इस तरह बनती हैं क्या कि आधे रास्ते आपने जो है वापस छीन लिया सामान? ये लोगों को धोखा देने की नीयत है, आपकी नीयत नहीं उन्हें डिलीवर करने की। और बातें इतनी बड़ी कर रहे हैं जैसे देश इनने बड़ा आकाश पहाड़ उठा लिया है, चंद्रमा इन्हीं के सर पर विराजमान है। ये भारत जो है ये तो इतने खुदगर्ज लोग हैं कि ये अटल बिहारी वाजपेयी तक का योगदान भूल गए इस देश। ये 70 साल ऐसे बोलते हैं जैसे अटल बिहारी वाजपेयी पराया आदमी था। इनको इस ये जो नासमझी है और ये जो बड़बोलापन, ये मुंह के महावीर लोग जो हैं, ये इस देश को एक खतरनाक अराजकता की तरफ ढकेल रहे हैं। ये उसका ही एक हिस्सा है जी। चलिए भूपेन जी, आपका शुक्रिया अदा करेंगे, हमारी चर्चा इस मुद्दे पर बनी रहेगी। रिजवान साहब के पास चलेंगे। रिजवान जी देखिए राजेश, सवाल बहुत से हैं और किसी भी व्यक्ति की इमेज पर इतने व्यक्तिगत हमले जो हैं वो किसी भी बड़े या समझदार राजनीतिक दल के लिए उचित नहीं है। बिल्कुल। आप जैसे अभी कृष्ण गोपाल जी कह रहे थे जी इटली चले जाएंगे, आज इटली, पहले उनकी मां के बारे में कहा जाता था कि विदेशी हैं। बिल्कुल। और अब राहुल गांधी इटली चले जाएंगे जी। इटली तो नहीं जाने वाले राहुल गांधी, इसलिए कि ये कृष्ण गोपाल भी अच्छे से जानते हैं और हम सब लोग भी जानते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि राजनीति मुद्दों पर नहीं हो रही है जी, राजनीति व्यक्तियों पर लांछन लगाने से हो रही है जी। प्रधानमंत्री पर भी बहुत से लांछन लगते हैं, बहुत से सवाल उन पर भी हैं, राहुल गांधी पर भी उसी तरह के सवाल किए जाते हैं। हर व्यक्ति कहता है कि मेरी कमीज जो है तुमसे ज्यादा उजली है, मेरा विजन बड़ा है, लेकिन वर्तमान में जो भी हालात है देश के, चुनौती बड़ी है। 2019 किसी के लिए भी आसान नहीं होने वाला है और सबको ये स्वीकार करना चाहिए। अपने काम बताइए, अपना विजन बताइए, आगे बढ़िए और जो सवाल है जनता के उसको उठाइए। लेकिन इन सब के बजाय व्यक्ति पर हमले लगातार जारी हैं और ये शायद सियासत की सबसे बड़ी गिरावट है इस दौर जी। जी चलिए सरवन जी, जिस तरह से रिजवान साहब ने बात काफी अहम बात की कि चुनौतियां बहुत हैं इस देश के सामने, लेकिन जवाब चाहे हम सत्ताधारी दल की बात करें या फिर हम राहुल गांधी की बात कर रहे हैं, एक आक्रामक तेवर उनके थे, लेकिन रमेश शर्मा साहब ने भी कहा कि विजन उसमें नहीं था। दूसरी तरफ जिस तरह से एक सियासत हो रही है, व्यक्तिगत हमले हो रहे हैं, इसको किस नजरिए से आप देखते हैं? देखिए ये मतलब कम से कम भारत के संदर्भ में ये ठीक नहीं है जी। क्योंकि क्या है कि भारत की अपनी एक परंपरा है, राजनीतिक दलों की अपनी परंपरा है और दोनों ही दल के लोग जो है ना बहुत ही गंभीरता के साथ चुनाव लड़ते हैं। कुछ विषय आपने मध्यप्रदेश से जुड़े हुए रखे थे, एक तरह से चर्चा मध्यप्रदेश पर केंद्रित हो गई थी, तो मैं अभी बीच में कमलनाथ जी के पूरे इंटरव्यू को देख रहा था सभी चैनल्स पे। मैं ये उनकी तारीफ करूंगा कि उन्होंने किसी भी अपने साक्षात्कार में ऐसा कोई बात नहीं कही है, ऐसा कोई अग्रेसिव या
आक्रोश जैसा या उन्होंने अटैकिंग कुछ ऐसा कोई भाषण दिया हो या बात कही हो जो राहुल गांधी ने की थी, तो कमला जी बहुत गंभीर हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बातें बोली, लेकिन विरोधी बैल जाके बात नहीं कही जैसा कि राहुल गांधी ने कही। अभी राहुल गांधी को इन ऐसे जो कमला जैसे जो नेता हैं उनसे अभी और सीखना चाहिए। चलिए रमेश शर्मा साहब, जिस तरह से कृष्ण गोपाल जी कह रहे थे, चूंकि आप सत्ता में हैं, आपके पास बहुत कुछ बताने के लिए है कि हमने इन इतने सालों में ये किया, हम इसको लेकर सामने आए थे, लेकिन जिस तरह से एक व्यक्तिगत हमला कि इटली चले जाएंगे, इतने बड़े पार्टी के एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए एक लंबा इतिहास उस परिवार का भी रहा है। कुटुंब मानने की है और ये बात ठीक कह रहे हैं रिजवान भाई कि वो इटली बिल्कुल नहीं जाएंगे, और जाना होता तो सोनिया जी 1980 के पहले चली जाती, क्योंकि उन्होंने जब शादी करके आई थी तो अपना रिटर्न टिकट उन्होंने एक साल तक संभाल के रखा था और 10 11 12 साल तक उन्होंने भारतीय नागरिकता अप्लाई नहीं की थी। उसके बाद जब उन्होंने भारतीय नागरिकता अप्लाई की तो वो तय हो गया था कि अब उनको इटली जाना नहीं, जाएंगे तो अपने मेहमानी के लिए, परिवार के लिए, माँ बाप से, मतलब जो परिवारजन है उनके उसी नाते जाएंगे। अब ना तो वो इटली जाने वाली है ना राहुल गांधी इटली जाने वाले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो बात अभी शर्मन जी ने कही, अभी उनको थोड़ी मैच्योरिटी की और जरूरत है, और जैसे उनमें मैच्योरिटी आएगी उस आधार पर जनता में उनका प्रभाव बनना शुरू होगा। अभी जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि उनका आज का भाषण जो था वो आक्रामकता से भरा हुआ आक्रामकता से था, लेकिन उसमें विजन जो था उसका थोड़ी सी कमी थी। मुझे लग रहा है जिस तरीके से राहुल गांधी जी का अगर एक साल पहले का भाषण देखेंगे और कल का और आज का भाषण सुनेंगे तो इसमें एक अंतर आया, मुझे लग रहा है कि आने वाले वक्त में ये अंतर भी आएगा और वो विजन भी देना शुरू कर लेंगे। चलिए, जिस तरह से राहुल गांधी के का बदले बदले अंदाज, अब किस तरह के इम्पैक्ट इसको देखेंगे आगामी समय में क्या होंगे, लेकिन कुल मिलाकर चर्चा में ये आया कि अभी एक विजन जो एक सामने रखना चाहिए था एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते, वो शायद उसमें कमी रही, लेकिन एक नए अंदाज को लेकर बीजेपी की भी प्रतिक्रिया आई, कांग्रेस की अपनी दलीलें हैं। आज की इस चर्चा में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा साहब जुड़े, आपका बहुत शुक्रिया। सरमन नगेले साहब बशपतकर, आपका बहुत शुक्रिया। कृष्ण गोपाल पाठक जी बीजेपी नेता, आपका बहुत शुक्रिया। और न्यूज़ वर्ल्ड के एडिटर चीफ रिजवान अहमद सिद्दीकी साहब जुड़े, रिजवान जी आपका बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर देखा जाए कि एक आगाज, एक बेहतर आगाज जिस तरह से राहुल गांधी ने कल के एक नए अंदाज से किया है, अब किस तरह के इम्पैक्ट इसके आगे होंगे, किस तरह की सियासत इसको देखने को मिलेगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि अब जो फाइट है, जो रण है, वो काफ़ी अहम है। 2018 में कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं, 2019 में लोकसभा के चुनाव हैं, अब देखना होगा कि किस तरह की सियासत देश में बदलते परिवेश में देखने को मिलती है। आज की चर्चाएं बस इतना ही, न्यूज़ वर्ल्ड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, अब बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।